और बात भारत और चीन की करेंगे, जिस पर एलएसी में तनाव जारी है। चीन ने पीछे हटने का वादा तो किया, लेकिन कल की सैटेलाइट इमेज से यह साफ हुआ कि गलवान नदी के किनारे चीनी कैंप, जेसीबी मशीनें और चीनी सेना की गाड़ियां अब भी मौजूद हैं। हालांकि उनमें कोई हलचल नहीं है। आखिर सहमति के बावजूद चीनी सेना की गाड़ियां और जेसीबी मशीनें वहां से क्यों नहीं हट रही हैं? क्या यह भी चीन की कोई नई चाल है? दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। यह हुंकार है हिंदुस्तान की, यह संकल्प है भारतवर्ष का। दुश्मन को उसी की भाषा में करारा जवाब देना जानता है हिंदुस्तान। लेकिन चीन की गुस्ताखी देखिए, यह 28 जून की सैटेलाइट तस्वीर है। चीनी सेना की गाड़ियां, जेसीबी मशीनें और कैंप अभी भी वहां मौजूद हैं, जबकि चीन ने इन्हें हटाने का वादा किया था। साफ है चीन आसानी से पीछे हटने को तैयार नहीं है, यानी उसे एक और मुंह तोड़ जवाब चाहिए। दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। गलवान वैली में 15 जून की रात चीन ने जो विश्वासघात किया, उसका भारत के वीर सैनिकों ने तो मुंह तोड़ जवाब दे दिया। अब बारी दूसरे तरीके से जवाब देने की है, और वो है लद्दाख में चीन से सटे इलाकों का विकास, वहाँ बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, सड़कों और सुविधाओं का ऐसा जाल तैयार करना कि बगैर देरी किए कभी भी वहाँ पहुँचा जा सके। इसके लिए सरकार की तरफ से कोशिशें तेज हो गई हैं। 15 जून की हिंसक झड़प के बाद गलवान नदी पर एक वैली ब्रिज समेत पुल और पुलिया का निर्माण रिकॉर्ड समय में हुआ है। भारत ने चीन से ये साफ कर दिया है कि उत्तरी लद्दाख में हाईवे बनाने समेत बुनियादी ढांचों के निर्माण का काम वो जारी रखेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ दिनों में 4 बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। इसके लिए लद्दाख के बाहर से मजदूर बुलाए गए हैं। इसे लेकर सरकार का फैसला बेहद साफ है कि नागरिक और सैन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण में कोई समझौता नहीं होगा। तनाव घटाने के लिए बेशक बातचीत जारी रहेगी, लेकिन भारत अपनी सीमा में सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में कोई समझौता नहीं करेगा। भारत के इसी संकल्प ने चीन में खौफ पैदा कर दिया है। पीछे हटने पर सहमति के बाद गलवान नदी से चीनी सैनिक तो पीछे हटे हैं, लेकिन उनके टेंट और साजो सामान मौजूद हैं। कल की सैटेलाइट इमेज से इसकी पुष्टि हो रही है। चीनी कैंप, हैवी व्हीकल्स और जेसीबी मशीनें हैं, लेकिन हैरानी देखिए, सारे साजो सामान स्थिर है, कोई मूवमेंट नहीं है। यानी भारत के मुंहतोड़ जवाब और सख्त रुख के बाद चीन की हिम्मत नहीं हो रही पहले की तरह निर्माण कार्य जारी रखने की। लेकिन ये भी सच है कि करार के बावजूद चीन ने इलाके को पूरी तरह खाली नहीं किया है। आखिर चाहता क्या है चीन? शिव अरोड़, आज तक।